आप ही कमा सकते हैं घर बैठे बैठे 20 से 30 हजार रुपए तक बेहद आसानी से, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप को। इस ऐप के प्रोडक्ट को आप व्हाट्सएप एंड फेसबुक के जरिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं और अपने लिए अर्निंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बेहद ईजी है, फिर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाकर के इस ऐप को चलाना सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि की ढेर सारी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। कौन कौन पूरा व्रत है मुझसे शेयर करना। तो मैं आ गई हूँ किचन में, शाम का टाइम है चाय बनाने के लिए मम्मी के लिए, और ना ही मैं चाय पीती हूँ और इस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने भी छोड़ रखी है डाइटिंग वगैरह के चक्कर में, तो इस वजह से मम्मी हैं तो मैं उनके लिए चाय बना करके उनको दे दूँगी। और मौमिता ने कुछ बर्तन शाम के टाइम धुल के रखे थे, उनको अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। उसके बाद आज कपड़े आप यकीन नहीं करोगे 3 स्लॉट मशीन के हो गए हैं, इतने सारे कपड़े थे जो मैंने कल तो फिर एक ही स्लॉट डाला था, उसके बाद नहीं धुल पाए थे मैंने कपड़े। बादल हो गया था, हल्की सी बारिश सी भी लग रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं सूखे नहीं तो क्या फ़ायदा, तो वही सारे कपड़े हैं इनके। और सारे कपड़े मतलब इससे पहले मैं काफ़ी बार कपड़े सुखा चुकी हूँ पूरे दिन में, अब मैं इनके डाल दूंगी तो रात भर में ये भी सूख जाएंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा से ही अकेले सूख जाएंगे। ये स्टैंड में बहुत आराम रहता है, इससे चारों तरफ हवा लगती है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। आज एक गुड न्यूज है, आज मेरा ट्राइपॉड आ गया, जो कि न्यू ट्राइपॉड मैंने मंगाया वो सही नहीं हुआ, जो मेरा पहले वाला था वो टूट गया, बट सेम वैसा ही है, एग्जैक्ट वही मॉडल, वही साइज, वही प्राइस, सब कुछ वैसा ही है। मैंने अमेजोन से मंगवाया है 1299 यानी 1300 रुपये का। पहले भी शायद इतने का ही मंगाया था, मुझे उसका प्राइस याद नहीं आ रहा है। जहाँ मैं इससे पहले वाले मकान में रहती थी वहाँ पर मैंने मंगवाया था, और मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मैं सच बताऊँ, मुझे चीज़ों से थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है, इतने मन से खरीदो, वो भी मैंने बहुत रिसेंटली खरीदा था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, आई थिंक 1 ईयर भी नहीं हुआ होगा, शायद हो गया होगा, मतलब 1 ईयर के करीब ही हुआ था। और उसको मैंने तब खरीदा था जब मैंने कैमरा भी नहीं ले पाया था अपना, ये वाला जो कैमरा है G7X Mark II कैनन का, तो ये मैंने नहीं खरीद पाया था। इसको मैंने लास्ट ईयर धनतेरस पे लिया था, आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, और हो सकता है कोशिश करूँगी, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और इस साल भी धनतेरस, दिवाली, करवा चौथ सब आने वाली है, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं ही क्या आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। त्योहारों का सीज़न है, रौनक भरा सीज़न है, और मेरे बाहर की रौनक तो आपने अभी देखी ली है, कितनी ज़्यादा रौनक है। नवरात्रि में इतनी रौनक है तो आगे दिवाली वाली सब में बहुत अच्छा लगने वाला है ना। हाँ, तो मैं वही कह रही थी, धनतेरस पे मैंने ये कैमरा लिया था, उसके पहले ही मैंने वो वाला ट्राइपॉड लिया था, तो जिस दिन वो टूट गया था ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, पर क्या कर सकते हैं, बहुत पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे पता भी नहीं चला, हाथ में होते होते भी हाथ से स्लिप हो गया, और मैं ट्राइपॉड बचा लेती पर मेरे दूसरे हाथ में कैमरा था, तो मेरा माइंड कैमरे की तरफ डाइवर्ट हो गया कि कैमरा टूट गया तो फिर और ज़्यादा मुझे तकलीफ हो जाएगी, तो इस वजह से कैमरे को बचाने के चक्कर में वो ट्राइपॉड गिर गया। तो जिस दिन मेरा ट्राइपॉड टूटा था मैंने आप लोगों को बताया था, किसी ने कहा आप ना परेशान मत हो, हो सकता है कैमरा लगा होता ट्राइपॉड के ऊपर तो सोचो कैमरा भी टूट जाता साथ में। तो यही है ना, हमें तसल्ली रखनी पड़ती है चीज़ों को लेकर के, अपना ऐसे ही मन समझाना रहता है, अगर हम ऐसे परेशान होने लगे तो। कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपके ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, तो ये सोचना चाहिए कि हाँ अगर इससे बुरा हुआ होता तो क्या करते, है ना, ये सोच करके हमें अपना मन समझा लेना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नाम भूल गई कि हो सकता है कैमरा टूट जाता तो और तकलीफ होती, तो मुझे कहा हाँ वो तो है। बट फाइनली जो भी है, ओवरऑल न्यू ट्राइपॉड आ गया है, सेम वैसा ही है, बट मुझे पुराने ट्राइपॉड की बहुत बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़राब लगा था।
चांदनी चौक जाते जाते रह गए हम लोग, ना इनको टाइम है ना मुझे टाइम है, और चांदनी चौक यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर वो जाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ कि जा पाते, और वहाँ से क्या बोलते हैं उसका जो पार्ट था, और वो भी कंफर्म नहीं था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांदनी चौक में मिलेगा कि नहीं, गफ्फार में मिलेगा क्या मिलेगा, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फिर मैं नया ही ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, आगे और वीडियोज़ बनाऊँगी तो फिर और दिक्कत होगी मुझे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने आपसे डेकोरेशन की, वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे मैंने कहा चलो मैं मंगा ही लेती हूँ, फुर्सत करती हूँ। मौसम इतना ठंडा हो चुका है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत रौनक भरे दिन आने वाले हैं, जितने बार बोलूँ उतने बार कम है। दिवाली का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि कितनी ज़्यादा रौनक रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ। उस उधर रोड लाइट लगी है, तो जब लाइट जलेगी कितना अच्छा लगेगा ना चारों तरफ, बहुत अच्छा लगने वाला है, पूरे चारों तरफ पूरे वहाँ तक दूर तक रोड लाइट लग गई है। नीचे शॉप लगी, अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, इनका कॉल आया था, बोल रहे बस आने वाला हूँ, 15-20 मिनट में रास्ते में हूँ, तो जब ये आ जाएंगे हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे नवरात्रि की। और उससे पहले मैंने सोचा था मैं इनकी दाल बना के रख दूँगी जो ये पीते हैं, बट वो दाल ही फिनिश हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो कह रहे ठीक है मैं रास्ते में से ले आऊँगा, दाल ले आएँगे तो इनके लिए दाल बना दूँगी और हम लोग चले जाएँगे। अगर ये नहीं जाएँगे तो देखते हैं, अगर जाते हैं तो फिर हम लोग साथ में सारे चले जाएँगे, शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन हो रहा है मंदिर में, जो डांडिया होता है ना उसका फंक्शन रखा है सोसाइटी वालों ने, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था अभी कि दी चलोगी देखने, मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं देखने चलते हैं, जो बेटू के बर्थडे में भी आई थी, तो 8:30 बजे तक हम लोग जाएंगे, तो यही है सोचे, उससे पहले थोड़ा सा जो डिनर है वो बना के रख जाएंगे, और आ करके थोड़ी सी थकान हो जाएगी ना, फिर मन नहीं करेगा डिनर वगैरह बनाने का, तो उसके बाद फिर खा लेंगे आ करके केवल। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मैंने इस तरीके का कभी डांडिया का फंक्शन टीवी वगैरह में ही देखा है, ऐसे नॉर्मली मतलब फेस टू फेस नहीं देखा है, तो आज मैं देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी किस किस को डांडिया खेलना आता है, मुझे तो खेलना नहीं आता ना ही मैंने कभी खेली है, बट मैं देखूँगी जा कर के आज कैसा है क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज ऐसे लग रहा है कि मतलब पूरी रौनक भरा भर भर गई है, कितनी ज़्यादा रौनक भर भर के चारों तरफ लग रही है। चलिए चलते हैं किचन में, जल्दी से डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी की ना मॉर्निंग से मैं परेशान हूँ, इनकी क्लिप्स नहीं जा रही, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डाटा केबल से वो क्लिप्स ही नहीं ले रहा था, मेरा इतना माइंड ख़राब हो गया, 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, फिर अभी जैसे तैसे करके उनको लैपटॉप में लिया है, फिर मम्मी का भी ब्लॉग तो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है ना जल्दी से, तो चलिए। ये देखिए मैंने कटिंग पहले ही कर ली थी, आज मैं बनाऊंगी गोभी आलू की सब्जी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्याज कट करना केवल रह गया है, तो मिलते हैं आपसे, ट्राइपॉड में लगा लेती हूँ कैमरा, ये रहा मेरा ट्राइपॉड, कोई पूछे तो मैं बता देती हूँ ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है, ये देखिए अमेज़ॉन बेसिक्स, आप डालेंगे ना सर्च करेंगे ना अमेज़ॉन पे तो आपको मिल जाएगा ये वाला, 1299 का है, सिल्वर कलर में, एक गोल्डन टाइप में था पर वो मुझे लेना नहीं था, तो किसी को परचेज़ करना है तो वो परचेज़ कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, मेरी गलती की वजह से टूट गया था, वरना ये सालों साल चलने वाला ट्राईपॉड है। हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, और डिनर बहुत सिंपल सा बनाऊंगी, मैंने बता दिया आलू गोभी तो कट कर ही लेते, प्याज को मैं कट कर लूँगी, और एक सब्जी या फिर रोटी पराठा ऐसे कुछ बना लूँगी, नेक्स्ट डे व्रत होगा ना तो फिर ठीक नहीं रहता है ज़्यादा कुछ बचे करे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, और इनको वैसे भी नहीं खाना है, ये तो दाल ही खाते हैं आपको पता है, तो मैं यहाँ पर हींग जीरा डाल करके प्याज को फ्राई करूँगी, और थोड़ा सा हल्दी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और जो आलू गोभी काट के रखे हैं वो डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं सब्जी मसाला डालूँगी पर वो मैं ऊपर से डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, जब ये आलू गोभी डालूँगी तो उसी के बाद नमक मिर्च डाल दूँगी, और मिर्च मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी हल्की सी चटपटी अच्छी लगती है, तो इस वजह से सब्जी मसाला ऊपर से डाल के मिक्स कर दूंगी, आप चाहें तो इसको एकदम सूखी ऐसे ही बना सकते हैं, वो भी बहुत यम्मी लगती है, बट फिलहाल मैं हल्के से ग्रेवी की बना रही हूँ, और बस पानी डाल करके ढांक दूंगी 10 मिनट में, विद इन 10-5 मिनट से बन करके रेडी हो जाती है, और मेरी सब्जी चटपटी सी हल्के गाढ़े रसे की बन करके रेडी हो गई है, इस तरीके से भी खा सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी की भी खा सकते हैं, और एकदम सूखी भी खा सकते हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहा है सोना मेरा?
यहाँ पर बेटू मैडम फुल रेडी हो गई हैं डांडिया फंक्शन के लिए। इनको लहंगा पहनना था और ये वाले बर्थडे वाले शूज पहनने थे, तो पूरी तरीके से रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की ही खुशियाँ होती हैं ना, हम बड़े तो चलो को अच्छा तो लगता है हम लोगों को भी, पर ज़्यादा खुशी बच्चों को ही होती है। तो मैडम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं और जा रही हैं डांडिया खेलने के लिए, और खेली करी कुछ भी नहीं, गोदी में ही रही। वहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखी तो फिर पापा की गोदी में रही। फिर वो से रास्ता हमने पूछ लिया था क्योंकि अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, सोसाइटी के अंदर ही टावर हैं बट नहीं समझ में आता है किधर से एंटर करो किधर से बाहर निकलो, तो इतना आइडिया नहीं है, तो उसी से पूछ लिया था कि हाँ कहाँ पर फंक्शन हो रहा है, तो उसने बता दिया था। और रास्ते में मतलब सोसाइटी के अंदर ही इतना प्यारा प्यारा नज़ारा था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ग्रीनरी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सोचो मुझे रहते रहते 5-6 महीने हो गए और अभी तक मैंने पूरी सोसाइटी नहीं देखी है कि हाँ अंदर से कैसी है कितनी बड़ी है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता इतना पूरा घूम पाओ। तो ये एरिया बहुत अच्छा था, इस तरफ का बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और यहाँ पर लगा हुआ एक छोटा सा मेला, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था नॉर्मल सा जैसे गणेश उत्सव में हुआ था वैसे नॉर्मल सा हल्का सा होगा, बट यहाँ पर तो सब ऐसे सज धज के आए थे जैसे मतलब कोई शादी वगैरह हो, इस तरीके से सब लोग सजे थे और डेकोरेट भी बहुत अच्छा हुआ था, उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं तो ऐसे नॉर्मल जो घर का सूट पहने थी उसी में चली गई थी, और ये भी ऑफिस के ही कपड़ों में चले गए थे, बट वहाँ पर ऐसा नहीं था, मतलब हम ही लोग थे और भी काफ़ी सारे नॉर्मल लोअर टी शर्ट में लोग भी थे, बट थोड़ा सा अंदर से लगता है ना हाँ इतना अच्छा फंक्शन है। नन्नू मेरी एकदम फंक्शन में फिट बैठ गई, यहाँ पे झूले पे बैठ के सब पिक खिंचवा रहे थे, तो उन्होंने पिक वगैरह ली, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पर स्टेज पे सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन था, मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही हूँ, तो और ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जा करके। यहाँ पर मिल गई मेरी एक फ्रेंड जो मैंने बताया था आपको मेरे सोसाइटी में ही रहती हैं, तो उनके साथ बस बात करती रही मैं फंक्शन के एंड तक, और जिद कर रही थी घर चलो, बट घर में इनके किसी दिन जाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिलहाल तो बस यहीं पर हम लोगों ने बातें शातें की और खूब इंजॉय किया। सब लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा रौनक लग रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। बेटू देखी कैसी गुमसुम सी चुपचाप सी हो गई हैं, वैसे जाना था इनको और अब गोदी से भी नहीं उतर रही, बहुत सारी एकदम से भीड़ देखती है ना तो थोड़ा सा इसको वो हो जाता है, इतनी ज्यादा अचानक से भीड़ में घबरा सी जाती है। काफी सारे फूड के स्टॉल, कपड़े के स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, कुछ परचेज करना तो कर सकते हैं बट ऑब्वियसली यहाँ से शॉपिंग करने की कोई जगह नहीं होती, बहुत कॉस्टली रहता है, सामान तो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसी वजह से बस देख लो वही बहुत है, बहुत माइंड फ्रेश हो गया एकदम से जा करके। पौन घंटा हम लोग रुके होंगे, हम लोगों ने मतलब बातें वगैरह की होंगी और उसके बाद हम लोग वापस घर चले जाएंगे। उनका दूसरी साइड में टावर है, मेरा दूसरी साइड में टावर है, और सोसाइटी रात में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दिन में तो उतनी अच्छी नहीं लगती बट रात में जगमग जगमग लाइटें हो जाती हैं, दिवाली सी लगने लगती है, हमेशा ही दिवाली सी लगती है यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाहर की हवा आप देख सकते हैं कितनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, तो मैं गई, मैंने मिठाई वगैरह ली, माता रानी की चुनरी, फूल, फ्रूट, सब्जी, ये सारी शॉपिंग थी वो की है, और नवरात्र की पूजा में जो भी थोड़ा बहुत धूप बत्ती ये सारी चीज़ें ली, फिर उसके बाद घर वापस आ गए थे। घर आकर के मैंने पराठे सेके, रोटी खाने की इच्छा नहीं हुई, और बस इसी के साथ करती हूँ मैं ये वाला व्लॉग एंड, मिलती हूँ मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मीशो ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट करिए आज से ही अपना ऑनलाइन रिसेलिंग का बिजनेस। अगर किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो विदाउट एनी चार्जेस वो 7 दिनों के अंदर अंदर इसको रिफंड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन से मीशो ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर करिए और अपना प्रॉफिट अर्न करिए।